नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी समस्या में, जो कि हम में से हर किसी को कभी ना कभी महसूस होती है, क्योंकि शादियों में जाने से अपने को रोका नहीं जा सकता, पार्टियों में जाने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि समाज भी एक संस्था होती है, एक चीज़ होती है। अगर आप किसी के साथ खड़े नहीं होंगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा, और उसकी कीमत ये उठानी पड़ती है कि आपको एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। रात में पार्टी से आए, खाना खाया और उसके बाद सीने में जलन होने लगी। तो आज हम बात बताएंगे आपको GRD यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज को ठीक करने की होम्योपैथी में 10 कारगर दवाओं के विषय में। यह दवाएं आपको ठीक कर देंगी और आपको बिल्कुल फिट रखेंगी। तो साथियों, चलते हैं सफ़र पर, आपको बताते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज GRD को ठीक करने की और कंट्रोल करने की कारगर दवाओं के बारे में, जिससे कि आप जो एंटी एसिड्स रोज़ लेते रहते हैं इनसे आपको छुटकारा मिल जाए और आप होम्योपैथी से ही सही हो जाएं। ये दवाएं आपकी जानकारी के लिए है साथियों, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि GRD के तमाम कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपको तकलीफ हो और सिम्टम आपके जो हम दवा बता रहे हैं उसे मिसमैच कर जाएं और आपको दवाएं नुकसान कर जाएं। तो हमेशा कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा कर ही दवा लें। चलते हैं साथियों, आपको बताते हैं होम्योपैथी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़ को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। वो मर्ज जो आपकी नींद उड़ा देता है, रात में आपको तकलीफ देता है। साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट दवा जो होम्योपैथी में आपका सीने की जलन को ठीक करने की, हाइपर एसिडिटी को ठीक करने की, मुंह में कड़वा पानी आना, यह जो कैफियत होती है इसको ठीक करने की होम्योपैथी में है रोबिनिया। आप रोबिनिया पेनिकुलाटा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। जब आपके हाइपर एसिडिटी होती हो, सीने में जलन होती हो, आपके मुँह में खट्टा पानी आता हो, आपको खट्टी डकारें आती हों, उस स्थिति में आप रोबिनिया का सेवन कर सकते हैं। यह दवा आपको एसिडिटी, हार्टबर्न और खट्टी डकार, सोर बेल्चिंग, इन सब चीज़ों से आपको आराम दे देगी और आप रात में बढ़िया से सो सकेंगे। फिर साथियों, एक और बहुत अच्छी दवा आती है होम्योपैथी में, हम लोग सब अपने घर पे यूज़ करते हैं हींग। हींग से बनी हुई दवा आती है एसाफोटिडा। एसाफोटिडा 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपको हर वक्त एसिडिटी बनी रहती हो, हर समय आपके सीने में जलन है, ज़रा सा भी कुछ खाया और जलन हो गई, अगर यह कंडीशन आप में दिखे तो इसको दूर करने की होम्योपैथी में सबसे अच्छी दवा एसाफोटिडा है। आप एसाफोटिडा 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको बहुत लाभ मिल जाएगा और आपकी जो निरंतर ज़रा सा भी खाने से सीने में जलन होने वाली कैफियत है, यह पूरी तरह ठीक हो जाएगी और आप अपने को अच्छा महसूस करेंगे। एक स्थिति साथियों GRD की कंडीशन में आती है कि जब आपके मुँह में कड़वा पानी आ रहा है, तो अगर आपके मुँह में कड़वा पानी आ रहा हो, बिटर रिगरिटेशन हो रहा हो बाइल का, तो उस स्थिति में होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आयरिस वेसिकलर। आप आयरिस वेसिकलर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपकी GRD गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़ की शिकायत दूर हो गई। उस स्थिति में जब आपके मुंह में कड़वा पानी आता हो, उस स्थिति की दवा साथियों निश्चित रूप से आयरिस वेसिकलर है। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि इतना GRD का, इतना रिफ्लक्स आपके एसिड का हो रहा है ऊपर स्टमक की तरफ, स्टमक से ऊपर की तरफ, कि आपका गला पूरा सूख गया है, गले में ही खाना फंस रहा है, नीचे ही नहीं उतर रहा है। तो अगर यह स्थिति साथियों आप में हो GRD के कारण, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज के कारण, तो उस स्थिति को दूर करने की सबसे अच्छी दवा नेट्रम कार्ब है। आप नेट्रम कार्ब 200 पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। जब आपके GRD के कारण आपके गले तक एसिड आ जाता हो, पूरे गले को जला देता हो और आपको उल्टी दूध ऐसी दूध की तरह, दूध जो है बिल्कुल फटे हुए दही की तरह आपके निकलता हो, कर्डेड मिल्क की तरह, वाइट कर्डेड मिल्क की तरह आपके वॉमिटिंग होती हो, फिर एक स्थिति आती है साथियों GRD में कि आपके गले में जलन हो रही है,
तो अगर आपके गले में जलन हो रही है और आपको जीआरडी की शिकायत है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज की शिकायत है, तो उसको दूर करने की बहुत अच्छी दवा आर्सेनिक एल्बम है। आप आर्सेनिक एल्बम 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपकी गले की जलन खत्म हो जाएगी। जब वह जलन आपको रात में 12 से 2 बढ़ती हो, आपका गला सूखता हो और आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, उस स्थिति की दवा आर्सेनिक एल्बम है। फिर एक स्थिति आती है कि आपके बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही हो जीआरडी में और पेट में पत्थर ऐसी हार्डनेस महसूस हो रही हो। अगर यह स्थिति आपको साथियों अपने में दिख रही हो और आपको जीआरडी की शिकायत हो, तो उसको दूर करने की बहुत कारगर दवा है एस्क्यूलस। एस्क्यूलस हिप्पोकैस्टम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें। आप देखेंगे कि आपके पेट का भी हल्कापन आ गया, आपके पीठ का भी दर्द खत्म हो गया और आपकी जीआरडी की शिकायत में भी आपको बहुत आराम मिल गया। हमेशा मुंह खट्टा बना रहता है, अगर मुंह में हमेशा सोर टेस्ट, आपके खट्टापन हो, दांतों में सोर टेस्ट हो, तो उस स्थिति में आपका जो एसिड ऊपर आता हो उसको दूर करने की बहुत अच्छी दवा कैल्केरिया कार्ब है। आप कैल्केरिया कार्ब 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। जब आपकी कद काठी थोड़ी फेयर फैट एंड फ्लैबी हो, आप गोरे हों, मोटे हों और थुलथुल हों और आपके सर से पसीना ज़्यादा आता हो और हमेशा दांत खट्टे रहते हों, मुंह में खट्टापन बना रहता हो, इस स्थिति में आप कैल्केरिया कार्ब का इस्तेमाल करें, आप निश्चित रूप से लाभ पाएंगे। एक स्थिति आती है साथियों कि आपने कुछ भी खाया, आपको जलन हुई और उल्टी हो गई, तो अगर यह स्थिति आप में बनती हो जीआरडी के कारण, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज होने के कारण, कि आप कुछ भी खाएं और आपको उल्टी हो रही हो, उस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा फेरामेट है। आप फेरामेटालिकम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका जीआरडी विथ वॉमिटिंग ठीक हो गया, आपका उल्टी आना भी बंद हो गया और आपका जीआरडी भी ठीक हो गया। फिर साथियों एक स्थिति आती है जब गैस ऊपर की तरफ बहुत चढ़ रही हो जीआरडी में और सीने में जलन हो, सीने में जलन है, गैस ऊपर की तरफ बहुत चढ़ती है और एसिडिटी बनी रहती है, यह स्थिति अगर आप में है तो इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा कार्बोवेज है। कार्बोवेज 32 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें, आपके सीने पे ऊपर की तरफ गैस चढ़ना भी बंद हो जाएगा और आपका सीने की जो जलन है वह भी ख़त्म हो जाएगी और इंटर्न आपका जीआरडी कंट्रोल होगा। एक स्थिति आती है साथियों कि आपको रात में खांसी आती है और खांसी आती है उसके साथ आपका बाइल बाहर आ जाता है, एसिडिटी आपको आ जाती है, तो अगर खांसी के साथ आपके एसिडिटी बन रही है तो होम्योपैथी में इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है, दवा का नाम है नक्सवमिका। नक्सवमिका 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका हाइपर एसिडिटी जो हो रही है और साथ में खांसी आ रही है, खांसी के साथ मुंह तक एसिड खट्टा पानी आ रहा है, तो वह स्थिति नक्सवमिका के सेवन से खत्म हो जाएगी, नक्सवमिका आपको पूरी तरह ठीक कर देगी। एक स्थिति आती है कि आपके इतना ज़्यादा एसिड बन रहा है कि आपकी वॉइस ही होर्स हो गई है, वॉइस में खरखराहट आ गई है, तो अगर यह स्थिति आपके आ जाए कि आपके इतना ज़्यादा एसिड बनता हो कि आपके वॉइस में खरखराहट आ गई हो, तो इस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पे आप वीकली ले सकते हैं। जब आपके बहुत ज़्यादा एसिड बनता हो और गले तक आके जलन करता हो, आपकी वॉइस पे होर्सनेस आ गई हो, वॉइस बैठ गई हो और खाना आपके मुंह में आता हो, एक कंडीशन आती है कि आप भारी खाने के शौकीन हैं और जो हाई एंड फूड होता है, फ्राइड फूड होता है और इस तरह का जो ये चाउमीन पास्ता सब होता है, यह सब खाने से आपके एसिडिटी होने लगी, जीआरडी की शिकायत हो गई, तो अगर यह स्थिति आपके होती है कि आप लैविश फूड खाना पसंद करते हैं और यह स्थिति आपकी हो रही है, तो इस स्थिति में जीआरडी को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा पल्सेटिला है। पल्सेटिला नाइग्रा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार वो पेशेंट ले सकते हैं जिनको प्यास कम लगती हो, उन्हें खुले में बाहर रहना ज़्यादा पसंद हो, खाने पीने में उनको थोड़ी ऑयली और बड़ी तली भुनी चीज़ें ज़्यादा पसंद हो, वह स्थिति अगर आपको अपने में दिखे तो आप पल्सेटिला 30 ले लें, आपका जीआरडी ठीक हो जाएगा। ये साथियों कुछ दवाएँ थी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़ के विषय में। यदि आपको कोई भी दिक्कत इससे संबंधित महसूस हो तो आप जो भी दवा लें वो कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लें, ये मेरा प्रयास था होम्योपैथी को आपके करीब ले आएँ। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं,
या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा आपको संतोषजनक, कारगर और समुचित उत्तर मिले जो आपको लाभ दे। अगर मित्रों आपको हमारा यह होम्योपैथी को आपके करीब लाने का प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर दीजिए, सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका हमारा साथ देने, साथ रहने और हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।